डॉक्टर पूजा को एक केस सौंपा गया था, लेकिन उस पेशेंट के गायब हो जाने के बाद ना तो वो भोला नजर आया और ना ही वो लेडी डॉक्टर पूजा। डॉक्टर पूजा का पता आपके पास होगा? जी हाँ। डॉक्टर पूजा का पता नोट कर लो। यस सर। और हाँ डॉक्टर साहब, उस पेशेंट के ताल्लुक से कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिले तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। पेशेंट की जिंदगी इंपॉर्टेंट लगती है। मैंने तो वही किया जो मुझे करना चाहिए था। राज, मैं देख रही हूं जब से तुम ठीक होने लगे हो बहुत गुमसुम खोए खोए से रहते हो, जैसे दिल पर कोई बहुत बड़ा बोझ हो या दुख हो। क्या बात है राज? राज कोमा से होश में आने के बाद जब तुमने आंखें खोली तो अपनी मां को याद किया था। करता है कुछ नहीं हुआ मुझे।
माँ का खून बहा आराम साले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। राज, ये क्या कर रहा है? राज, क्या कर रहा है? भाग जा। ये से मार दे। राज, खून बहा। मुझे कुछ नहीं हुआ है। एक क्या पागल बन गए? और तो ऐसे, लीवन, राज, मैं क्या जाऊँ? और तो ऐसे, राज, एक क्या पागल बन गया? छोड़ उसे, नहीं माँ, छोड़ उसे, नहीं माँ, इसने तेरा खून बहा है माँ, नहीं छोडूंगा, नहीं छोडूंगा माँ, नहीं माँ, मेरी कसम है, पुलिस ने उन गुंडों को गिरफ्तार कर लिया था तो तुमने उस गुंडे को वैन से उतार कर क्यों पीटा? कानून को अपने हाथ में लेने की क्या जरूरत थी? ये गला देखिए, अपनी माँ का खून देखकर क्या मैं चुप बैठता? आखिर पुलिस किस लिए है? पुलिस उन गुंडों को बैंक लूटने की सजा देती, मेरे माँ के गले पर चाकू रखने की सजा नहीं देती। राज प्लीज प्लीज बेटा, देखिए आप इसकी बात का बुरा मत मानिए, बेटा है ना, माँ के लिए जज्बाती तो होगा ही, आप इसका कसूर मत देखिए, ये सोचिए कि इसने अपनी जान पर खेलकर भी बैंक को लूटने से बचाया। देखिए मैं इसके जज्बात, इसकी बहादुरी की कद्र करता हूँ, मैं इसके हौसले पस्त करना नहीं चाहता, लेकिन लेकिन इतना जज्बाती होना भी ठीक नहीं। एनीवे, तुम करते क्या हो? मैंने बीएससी पास की है और नौकरी की तलाश में हूँ। तुम पुलिस फोर्स ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? मैं और पुलिस? हाँ, तुम जैसे लोगों की तो हमारे डिपार्टमेंट को जरूरत है। हाँ बेटे, सिर्फ अपनी माँ के लिए ही नहीं बल्कि इस देश की धरती माँ के लिए भी तुम्हारा कुछ फर्ज बनता है जो तुम्हें निभाना है। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। बेटा दूध पी लेना। शुक्रिया माँ। राज बेटा तू थक गया होगा। अच्छा कल तेरी एग्जाम का आखिरी पेपर है ना? हाँ माँ। और फिर रिजल्ट आने में भी कुछ वक्त लग जाएगा, मैं सोचती हूँ इस बीच हम गांव क्यों ना हो आए। ठीक है माँ, रघु को मिले भी काफी मुद्दत हो गई, मैं कल ही उसे टेलीग्राम भेज देता हूँ कि हम गांव आ रहे हैं। अच्छा बेटा। ए मोनालो, राज, ए राज, चलो। ए रघु, कैसा है तू? ठीक हूँ माजी। रघु बेटे, जीते रहो। तेरे बाबूजी कैसे हैं? अच्छे हैं। बोला ये ऐसा क्या रख दिया बाबा तूने इसमें? अरे मारा हाथ, कैसे रुको भैया? तू कैसा? बस जैसा था वैसे ही। चलो चले 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 इसको बाबा। ये मुझे चाय, गरम चाय, चाय चाय चाय, ये चाय। ए उठ, चाय पीता क्या? नहीं चाहिए। अरे अरे, ये भोला कहाँ रह गया? ये चाय पीना। अरे नहीं चाहिए बाबा, बोला ना तुम्हारे को, हम जाने दो। खींचो। अरे अरे देख, संभाल उसे, लगता उसके सर पे चोट लगे, फिर से उसकी याददाश्त चली गई। संभाल ना माँ, ये अभी तक ठीक नहीं हुआ। अरे नहीं रे बेटा, वही एक इलाज है उसका, दोबारा सर पे मारो तो याद आता है। घर नहीं चल रहे क्या? और माँ कहाँ? माँ रो रही। माँ माँ माँ, ये बाबा को अकल कब आएगी? माँ चल 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 चल। माँ जी सुमन, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। कितनी बड़ी हो गई है तू। तेरे माँ और बाबूजी कैसे हैं? अच्छे हैं।
घर पर आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको यहीं आई मिलने में। ए माँ, कौन है माँ? पहचाना नहीं, सुमन है। सुमन? कौन सुमन? बचपन में जिसके साथ खेलता था उसे ही भूल गया, ये वही सुमन है। हाँ। क्या हुआ, क्या कर रहे है? कुछ नहीं माँ, कुछ ही कुछ ही। जब सुमन छोटी सी थी ना तो हमेशा कहती थी कुछ ही कुछ ही करो ना, कुछ ही कुछ करो ना। ये कुछ ही कुछ क्या होता है? ये माँ, ये होता है कुछ 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 कुछ। इतना बड़ा हो गया, बचपना नहीं गया इसका। कैसे हो बोला? ठीक वैसे चल रहा है जैसा पहले था। बहुत दिनों के बाद देखा तेरे। बहुत दिनों के बाद आया ना मैं इसलिए। बैठो बोला। मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। अंकल, घर तो आपने बहुत अच्छा बनाया। अरे बेटा, घर तो ऊपर भी बहुत अच्छा बनाया है। सुमन बेटा, जाओ राज को ऊपर का घर बताओ। जी आया माँ। आइए ना, जा देख ले जा। और सब कैसे? सेब अच्छा। ले ले ले। मैं नीचे क्यों बैठा हूँ? सिल्क की साड़ियाँ तो वहाँ भी बहुत अच्छी मिलती, लेकिन बहुत। और बहन जी, कैसा क्या चल रहा है? मेरी बीवी ने मुझे बताया कि आप यहाँ आई, हम आपसे मिलने आने ही वाले थे। बहन जी, बोला तू यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ क्यों बैठा तू? और मुझे ऐसा घूर घूर के क्या देख रहा है? एक मिनट बहन जी, उल्लू के पट्टे बदतमीज, घर के मालिक मालकिन के सामने ऐसे बैठा है जैसे घर का राजा हो। गजा चावल अगला। एक मिनट बहन जी, आप बीच मत बोलिए। बहन जी, ये बहन जी, बहन जी क्या कर रहा है? चुप। ये सब तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से इतना बिगड़ा हुआ ये, और एक दिन इसकी वजह से तलाक दूंगा मैं तुमको। बहन जी देखिए, एक बार तुम्हें कहा है कि नौकरों को सर पे मत बिठाओ, उनको जूतों की नोक पे रखो। आप खड़े क्यों? आप बैठे ना। ऊपर बैठी, ऊपर बैठी। मैं यहाँ देखिए। बहुत अच्छा कमरा। किसका कमरा? मेरा। वहाँ क्या है? खुद ही देख लो। ओके। सुमन, ये तो बाथरूम। क्या हुआ? ए सुमन, क्या देख रही है? कुछ ही कुछ ही करो ना, जैसे सुबह किए थे। बहुत अच्छा लगा। सुमन, सुमन मजाक कर रहा था। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अरे कुछ कुछ करो ना। नहीं सुमन, कुछ कुछ करो ना, एक बार कुछ कुछ करो ना। अरे कहाँ भागे जा रहे हो? आप लीजिए ना, एक ही बात लीजिए ना। आप अबे क्या रे, कैसे लगा बेटा ऊपर का घर? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लो बेटा चाय पियो। मुझे चाय पीना ना। मैं पैर पड़ता हूँ आपके। माफ कर। क्या हुआ? नमक माँ, नमक। चाय में नमक? नहीं नहीं नहीं, मिर्ची 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 नहीं नहीं, गरम मसाला होगा। ये बाबा को अकल कब आएगी माँ? मैं चलता हूँ माँ, चलता हूँ, चलता हूँ माँ, चलता हूँ। अरे चलता हूँ, चलता हूँ, अभी आया, अभी आया। क्यों जा रहा है? चलता हूँ माँ। राज, अरे क्या हो गया इसको?